लेफ्टिनेंट जनरल जे के सिंधिये, लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणि, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री गोपाल शंकर मिश्र, मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव श्री संजय प्रसाद जी, लेफ्टिनेंट जोड़ी सेरेमनी में उपस्थित भारतीय सेना के सभी अधिकारीगण, पूर्व अधिकारीगण, वीर माताएं और परिवार के लिए सम्मानित सदस्यगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, 11 गोरखा राइफल रेजिमेंटल सेंटर द्वारा आज यहां पर प्लेटिनम जुबली सेरेमनी का आयोजन किया गया है। इस रेजिमेंटल सेंटर के सफलतापूर्वक 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मैं सभी सैन्य अधिकारियों, बहादुर जवानों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं। रेजिमेंटल सेंटर की दिशा से 75 वर्षों की शानदार सेवा और भी मायने इसलिए रखती है क्योंकि भारत की आजादी के बाद गठित होने वाली पहली रेजिमेंट के रूप में गोरखा राइफल को यह गौरव प्राप्त है। 75 वर्ष की शानदार सेवा के लिए मैं इस रेजिमेंट से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को, पूर्व सेना अधिकारियों को हृदय से अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं। भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम में कोई भी भारतीय कभी संदेह नहीं करता। मुझे स्वयं 5 जनवरी को लखनऊ में नव यौवन आर्मी फेस्टिवल के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। 14 जनवरी को भारतीय सेना के वीरता पदक विजेताओं के स्वागत समारोह में भी मुझे सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय सेना 140 करोड़ भारतवासियों के गौरव का प्रतीक है। देशवासी इसके शौर्य और पराक्रम को न केवल जानते हैं बल्कि उसके टूट विश्वास भी रखते हैं। भारतीय सेना का स्वर्णिम इतिहास रहा है। हमारे सैनिकों ने युद्ध काल और शांति काल में देश की रक्षा और सेवा का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। अपने जीवन की परवाह के बिना सेना के बहादुर जवानों ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में दुर्गम स्थानों पर रहकर
देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की सदैव रक्षा की है। उत्तर प्रदेश वीर भूमि है। यह धरती महान क्रांतिकारी मंगल पांडे, झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई, शहीद चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, हसबाउल्लाह खां, वीर हमीद की भूमि है। देश की सुरक्षा के लिए हर लड़ाई में हमारे जवानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अनेक वीरों ने अपने शौर्य पराक्रम से देश की सुरक्षा करते हुए प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। अनुशासन, देशभक्ति और युद्ध कौशल गोरखा रेजिमेंट की पहचान है। गोरखाओं की शौर्य गाथा का उल्लेख सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक सेनाओं ने किया है। गोरखा अपनी महामारी का कच्चे शब्दों से नहीं बल्कि सीमाओं पर तैनाती के दौरान अपनी वीरतापूर्ण कार्रवाई से देते हैं। भारत में तैनात विभिन्न गोरखा रेजिमेंटों में से 11 गोरखा रेजिमेंट ने अपनी स्थापना के बाद कई युद्ध लड़े हैं। हम सभी के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण है कि वीर और पराक्रमी जवानों की यह रेजिमेंट उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। वर्ष 1983 में लखनऊ में आने के बाद इस रेजिमेंट ने कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। इस रेजिमेंट के वीर जवानों ने अपने शौर्य पराक्रम से इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराया है। अपने अपेक्षाकृत छोटे कार्यकाल में इस रेजिमेंट ने देश को कैप्टन मनोज कुमार पांडे, सुबेदार मेजर गंजू लामा जैसे ने सूरवीर दिए हैं। साथ ही इस रेजिमेंट ने देश को दो सीरियस का कई जन्मों की भी एक परंपरा दी है। देश की सुरक्षा के लिए लड़े गए युद्ध में गोरखा रेजिमेंट के वीर सैनिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश का सर्वोच्च वीरता और सम्मान परमवीर चक्र 11 गोरखा रेजिमेंट के शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे को प्रदान किया गया था। वे लखनऊ स्थित देश के प्रथम सैनिक स्कूल के छात्र रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि हमारी सरकार ने देश के पहले सैनिक स्कूल का नाम कैप्टन मनोज कुमार पांडे के नाम पर रखा है। इस रेजिमेंट ने युद्ध के मैदान के साथ साथ खेल के मैदान में भी अपना परचम लहराया है। इस रेजिमेंट ने पिस्टल की जीतू राय जैसे बेहतरीन खिलाड़ी भी दिए हैं। शौर्य संध्या 11 गोरखा रेजिमेंट के उन वीर सैनिकों के शौर्य का पराक्रमों को याद करने का अवसर है जिन्होंने अपने सर्वोच्च बलिदान से मातृभूमि की रक्षा की और गोरखा रेजिमेंट का गौरव बढ़ाया है। यह दिन उन वीर गोरखा सैनिकों की पावन स्मृतियों को समर्पित है।